अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं शाही दाल, जिसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड अदीबा की स्टाइल में बनाया जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जिसके लिए हम सबसे पहले तमाम इन्ग्रीडियंट जिनमें से शामिल है अनियन, मैक्सिमम मैं यूज़ कर रही हूँ 2 kg अनियन, जिनको मैंने भारी क्यूब्स में कट कर लिया है। इनके छिलके रिमूव करके छिलके ऐड नहीं करिएगा, ओके। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन, अदरक, टमाटर, ग्रीन चिली। ये तमाम चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है, और मेरी आदत है तमाम चीज़ों को पहले प्रेशर में 5 मिनट के लिए गला लेते हैं, उससे ये सब चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं। उसके साथ ही मैंने जो दाल है उसको भिगो दिया है। आप भी दाल को पहले भिगोया करें, उससे ये होता है कि ये थोड़ी सी फूल जाती है। एंड इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की कुकिंग, जिसमें सबसे पहले आपने पैन या पतीला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी में, उसमें ऑयल डाला और उसमें तमाम मसाला जात को डाल के भून लें। एंड देन उसमें हमने ऐड कर दिए हैं तमाम जो गर्म मसाला हैं। इन गर्म मसालों को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें जो अदरक का पेस्ट होगा वो ऐड कर देंगे, और इसको भी भूनते जाएंगे। आज तमाम रेसिपी को फटाफट से बनाया जाएगा और फटाफट से बताया जाएगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी आज की वीडियो नहीं होने वाली। सो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। अभी तक मैंने ये किया कि तमाम मसाला जात को भूना, और इसमें अब क्वांटिटी टू सर्व मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसमें पानी ऐड करने के बाद जब पानी में एक जोश आ जाएगा तो हम इसमें आज की जो मेन इंग्रेडिएंट है लाइक दाल को ऐड कर देंगे। जी आज हम बना रहे हैं शाही दाल, आप इसे ट्राई कीजिएगा एंड आपको कैसी लगी इसका रिव्यू मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड ये दाल को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं, और इसको मिक्स करने के बाद इसके गलने का हम वेट करेंगे, और इसको हमने जब गलाना है तो इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना आप बहुत ज़्यादा फ्लेम कीजिए कि पानी सूख जाए और आपकी जो दाल है वो कच्ची रह जाए, और ना ही इतनी कम कि ये दाल जो आपकी है वो मेल्ट हो जाए। ये ना हो कि आप इसे चूल्हे पर रखने के बाद गहरी नींद सो जाए और आपकी शाही दाल का बेड़ा गर्क हो जाए। घर वाले कहें ये तुमने शाही की जगह पता नहीं कौन सी बना दिया। सो अभी मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट मेरे को बनानी पड़ी, बिकॉज मेरे अभी कह रहे थे तुम्हें कल का भूला हुआ है, तुमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। सो ये बातें तो होती रहेंगी। अभी मैंने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है एग्स। जी तो आप अपनी टेस्ट लाइक 5 egg यूज़ करें, 8 egg यूज़ करें, मुझे तो 1 egg भी पसंद नहीं है, बट मेरी आपको एग्स बहुत पसंद है। सो उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक एग्स को ऐड किया है, और इसमें 2 teaspoons जो है ब्लैक पेपर और साल्ट ऐड करके इनको अपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, मिनटों से पैन में कर लें। उसके बाद हमारी शाही दाल मैक्सिमम पक कर और इसका पानी जितनी हमने क्वांटिटी में रखना था वो शोरबे की शक्ल में रेडी हो चुका है। अब जो हमने इसमें जो एग थे जिनको मैंने फ्राई करा था वो इसमें ऐड करते हैं लाइक छोटे छोटे क्यूब्स में। वो एग मिनटों से उन्हें मैश कर लीजिए, और इसके ऊपर आप उन एग्स को फ्राई करने के बाद डाल दीजिए, और इसके बाद इस जो दाल है इसका टेस्ट एक यूनिक होने वाला है। अगर आप एग लवर हैं तो आई होप आप इसको एग के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और अगर आप मेरी तरह एग को पसंद नहीं करते देन भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी और अमेजिंग बनी है, सो मैं भी इसे इंजॉय करूँगी। तो अभी तक के लिए हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाती है, आप अपने घरों में इसे ट्राई कीजिएगा एंड कैसे बने इसका रिव्यू दीजिएगा। उसके बाद मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।